अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन होने पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी खुशी जाहिर की है। धूमल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना आज पूरा हुआ है और इस टनल के बनने के लिए अटल जी का योगदान सराहनीय रहा है। जब धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय रोहतांग टनल की आधारशिला रखी गई थी। पूर्व सीएम धूमल ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि जब भी गर्मियों के दिनों में स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी हिमाचल आते थे तो उनके साथ टनल को बनाने के लिए चर्चा चलती थी और वर्ष 1999 मनाली में जब आए हुए थे तो कारगिल युद्ध जीतने के लिए रोहतांग में एक पुल का जिक्र किया गया। तभी अटल जी के एक मित्र ने भी टनल बनाने के लिए मांग की थी। धूमल ने कहा कि वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल का शुभारंभ किया था और उस समय वर्तमान पीएम मोदी प्रदेश प्रभारी भी साथ थे। धूमल ने कहा कि अब लाहौल के लोग देश के साथ जुड़ सकेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए ये टनल एक महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक पल है कि अटल टनल का उद्घाटन हुआ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हिमाचल में गर्मियों के दिन में आते थे और मनाली में ठहरा करते थे। कई दिनों से, कई वर्षों से रोहतांग टनल को बनाने का चर्चा चलता था, लेकिन 99 में कारगिल के संघर्ष के बाद जब अटल जी मनाली आए तो हम दोनों सर्किट हाउस से प्रीणी की तरफ जा रहे थे, तो मनाली से निकलते ही जिस पुल पर से हम गुजर रहे थे, मैंने अटल जी को बताया कि ये पुल ना होता तो हम कारगिल का युद्ध ना जीतते और रोहतांग की बर्फ नहीं पिघली होती तो भी बहुत दिक्कत आती। चर्चा चलती रही। उनके एक मित्र थे अर्जुन गोपाल, जो लाहौल में रहते थे। उन्होंने संघ का प्रशिक्षण अटल जी के साथ लिया था। वो भी लगातार अटल जी से मांग करते थे 6 महीने के लिए हम कट जाते हैं सारे देश से, ये टनल बननी चाहिए। हमने प्रदेश सरकार की ओर से लगातार अटल जी से आग्रह किया और हिमाचल ने जो भी जब भी उनसे मांगा वो उन्होंने दिया। 2002 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया। उस समय के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी उपस्थित थे और इस तरह से इसका शुभारंभ हुआ। ये देश के लिए गौरव की बात है। जहां पर्यटन विकसित होगा और लाहौल के लोग, लेह लद्दाख के लोग पूरी तरह से देश के साथ जुड़ सकेंगे, वहीं देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमें प्रसन्नता है कि इस टनल का निर्माण हो गया।